नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मोगा में मशहूर कपड़े की दुकान में फिरौती मांगने आए दो युवकों को पुलिस ने किया काबू, एक फरार। सुनाम के नजदीकी गांव छाछरी का जवान परमिंदर सिंह देश की सेवा करते हुए कारगिल में हुआ शहीद, पैतृक गांव में किया गया अंतिम संस्कार। अमृतसर में विश्व पशु दिवस पर वन्य जीव सप्ताह समारोह 2023 का किया गया आयोजन, निकाली गई जागरूकता रैली। अरब हलचल विस्तार से। मोगा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब मोगा के एक मशहूर कपड़े की दुकान में फिरौती मांगने आए तीन लड़कों में से दो लड़कों को पुलिस ने काबू कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक मोगा की मशहूर कपड़ा शॉप पर तीन लड़के आए और दुकानदार को गैंगस्टर अर्श ढल्ला का नाम लेकर उससे बात करने के लिए कहा। इसी दौरान वहां से पीसीआर कर्मचारी जा रहे थे तो साथ वाले दुकानदार ने पुलिस कर्मचारियों को कपड़ा शॉप में कुछ संदिग्ध लोगों के होने की बात की, जिसके बाद पीसीआर कर्मचारी दुकान के अंदर चले गए और दो लड़कों को काबू कर लिया, जबकि एक लड़का भागने में कामयाब हो गया। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। पीसीआर तो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग कर रहे थी ते जो चाणक थे इन्होंने दुकान को आए थे, इतों बाहर खड़े बंदे साहब को बंदे छक्की अंदर बड़े ने जो कि बंदे धमका रहे हैं, तो मैं फटाफट इन्होंने मोटरसाइकिल रोके पूछ लिया, एक भज कामयाब हो गया। तो और जो उन्होंने पूछा फड़ के दो जन जब्बे च ले लिया, तो जी तुम्हें किन्ने भेजे थे कि उन्होंने फिर उस डाले का नाम लिया जी। तीन जने से एक भज कामयाब, और मैं भी कला ही सी, कला मुलाज होने करके थोड़ा भाजी में स्क्रेप हो गया एक बंदा, वरना दो होंगे तो फिर बड़ी बहादुरी दिखाई हिम्मत के नाल दोनों पड़े। तो महाराज का ही जोगिंद नाल जो करता है। हाँ जी हाँ जी, मैं कला ही सी। वैपन वगैरह भी सी उन्होंने को शायद तो जोड़ा भजया ही, शायद उन्होंने को हो सकता जी वैपन होगा जी, जोड़ा भजेगा को कहते वैपन है जी। सुनाम के नजदीकी गांव छाछरी का जवान परमिंदर सिंह देश की सेवा करते हुए कारगिल में शहीद हो गया। परमिंदर की एक वर्ष पहले ही 2 अक्टूबर को शादी हुई थी। गांव छाजली के पत्ती समराव के रहने वाले 25 वर्षीय परमिंदर सिंह सिख रेजिमेंट 31 पंजाब में कारगिल में देश की सेवा कर रहा था, जहां वह शहीद हो गया। शहीद परमिंदर सिंह के दूसरे भाई गुरपिंदर सिंह भी सेना में कार्यरत है और उनके पिता गुरजीत सिंह सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। परमिंदर सिंह 7 वर्ष से सेना को अपनी सेवाएं दे रहे थे। शहीद जवान परमिंदर सिंह का पार्थिव शरीर गत सायं गांव पहुंचा था। जवान की मौत के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है। शहीद हुए जवान का पैतृक गांव में सुबह 10 बजे संस्कार किया गया, जिसे हजारों गाँव वासियों ने नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर संगरूर जतेंद्र सिंह जोरवाल, वित्त मंत्री के ओएसटी तपिंदर सिंह सोही, जिला प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन गुरमेल सिंह राचो सहित सरकार और प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल हुए। तो वहीं सरकार ने 1 करोड़ की राशि परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में देने को सैंक्शन की गई है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मैं अपने बेटे इन्ना ही मान करदा कि मेरे तो ऊपर दी सी, मेरी सोच तो ऊपर सोच दी सी। दोनों बेटे मेरे फौज है, ठीक है, मैं भी सेवा करके आया, आपके इंट्रस्ट के नाल गए दोनों, देश को समर्पित, देश को समर्पित, अपने दिल चाना रख दे, दुख के नाल नाल माण भी है कि साढ़े पिंड का साडा नौजवान बेटा देश लिए शहीद होया, सानू बहुत माण है। तो बाकी असी होर भी नवी पीढ़ी नू असी इस माध्यम राही बेनती करते हैं भी ये कोई वो नहीं, देश वास्ते शहीद होया बहुत बड़ा माना है, रही दुनिया तक वह ना रहूगा जी। परमिंदर जी की जी शहीदी है करगिल के एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान इन्होंने शहादत प्राप्त की है। पिंड छाजली तो ये बिलोंग करते हैं, तो असी जो है चुनाव के दाह संस्कार के मौके पर इतने आए हैं, तो पंजाब सरकार वालों जी 1 करोड़ रुपए की राशि है वो सैंक्शन की जा चुकी है, तो वह चैक तुरंत दिता जाएगा। तो इस तो अलावा जो भी पंजाब सरकार वालों जो भी हर संभव पॉलिसी के तहत जो भी सहायता होगी वो परिवार में मिलेगी। ये जी शहादत है इन्हों का पूरा परिवार जोड़ा है वो फौज के संबंध, फादर साहब भी फौज के बिच से, इन्हों का जो छोटा भरा है वह भी फौज के बिच से,
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਡ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਮੇਰਾ ਰਸੋਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ विश्व पशु दिवस पर भारत सरकार की वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने मिलकर वन्य जीव सप्ताह समारोह 2023 का आयोजन किया। इसमें दोनों ने मिलकर एक जागरूकता रैली निकाली जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि किस तरह से जंगली जीवों की रक्षा की जाए और घर में रखे हुए गैर कानूनी तौर से वन्य जीवों को आज़ाद किया जाए अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ पशु दिवस पर लोगों को पशुओं के साथ हमदर्दी बरतने और उनके जख्मी या घायल होने पर उनको प्राथमिक चिकित्सा देने हेतु अपील की गई। एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर रोहन ने कहा कि प्रत्येक माँ बाप की ओर से भी अपने बच्चों को इस संबंध में प्रेरणा देनी चाहिए। इस अवसर पर सतीश कुमार हेड कांस्टेबल वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अमृतसर ब्रांच भारत सरकार और MTS कर्मचारी गीता रानी सहित एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन के देव पांडे जॉनी ध्रुव मेहरा अर्शदीप सिंह सहित सभी सदस्यगण मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज पशु दिवस ते साडे कोल जेड़े वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है जेड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उतों के जोड़े अधिकारी साढ़े नाल आज आए हैं तो असी जागरूक किया लोगों कि जोड़े वन्य जीव ने उन्होंने किस तरह बचाया जा सके। कुछ लोग ने जोड़े जंगली जोड़े पशु ने या पक्षी ने जिस तरह बाज हो गया या होर भी कछुए हो गए उन्होंने पालते हैं कानूनन जुर्म है उस चीज़ के बीच असी लोगों जागरूक भी किया वो नाल नाल अज पशु दिवस भी है तो असी लोगों इस चीज़ का भी जागरूक किया पशुओं के नाल जरा प्यार किया जाए क्योंकि वह बेजुबान होंगे ने ते अगर किसी भी तुसी दुख तकलीफ देखते हो तो उनका इलाज जरूर कराओ। जालंधर के हंसराज स्टेडियम के कुश्ती हॉल में चल रही जिला स्तरीय किक बॉक्सिंग में आम आदमी पार्टी उत्तरी विधानसभा के हल्का इंचार्ज दिनेश ढल ने शिरकत कर विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर किक बॉक्सिंग खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए दिनेश ढल ने विश्वास दिलाया कि किक बॉक्सिंग खेल के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार की तरफ से जालंधर में एसोसिएशन को खिलाड़ियों का सेंटर चलाने के लिए जगह व सरकारी प्रशिक्षक की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी जिससे किक बॉक्सिंग खिलाड़ियों को उनकी आवश्यकता अनुसार बढ़िया प्रशिक्षण मिल सके और खिलाड़ी जालंधर का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर सके। इस अवसर पर जिला खेलों का संचालन कर रहे जिला किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर प्रदीप के सिंह वरिंदर थापर सचिव जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन कुलविंदर कौर वंदना देवी कुलदीप कौर नरेश कुमार सुनील कुमार अशोक कुमार विकास और तकनीकी अधिकारी सुजाता जस्सी निर्मल सिंह यादविंदर नरपिंदर प्रीति प्रेरणा मदान अंकित गुप्ता मनदीप कौर सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन के साथ खुशदीप सेठी की रिपोर्ट। ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੰਸਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ
चैंपियनशिप चल रही है वो खड़े हैं। मेरे नाल साढ़े रविंदर कोच साहब जो कि सैकटरी ने बॉक्सिंग एसोसीएशन के, साढ़े नाल वाइस प्रेजिडेंट साहब। सो अज का दिन मेरे लिए बहुत वधिया है क्योंकि आखिरी दिन है और पिछले 3 दिन तो लगभग 500 बच्चे मुंडे ते कुड़िया इत्थे पार्टिसिपेट कर रही सन। पंजाब सरकार का बहुत वधिया उपराला रहा जिदे विच बच्चों ने बहुत ही खुशी दे नाल इन्हां खेडां दे विच भाग लिया जो कि आने वाले समय के लिए बहुत वधिया गल है। और ये जिहड़े भी बच्चे मैडल लै रहे हैं उन्होंने लिए साढ़े जिन्हें भी लीडर लोकल ने उन्होंने सपोर्ट लिए बार बार आ रहे हैं जिदे करके ये इवेंट होर भी वधिया, खास करके खाने का जिहड़ा प्रबंध है, ब्रेकफास्ट का प्रबंध है सरकार वालों बहुत वधिया किया गया। साढ़े जिन्हें भी टैक्नीकल ऑफिशियल ने डिपार्टमेंट के नाल जिन्हें भी कोच साहबान ने वह मोढ़े के नाल मोढ़ा ला के इस इवेंट को सक्सेसफुल करने लिए उन्होंने दिन रात एक की है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी पंजाब के चेयरमैन मनजीत सिंह भोमा ने पंजाब और पंथ हितैषी की नशों के विरुद्ध बुलाई गई मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी पंजाब द्वारा जागरूकता लहर के तहत शुरू की गई मुहिम, जिसमें पंजाब में धर्म परिवर्तन के मुद्दे को बड़े स्तर पर रोकने के बाद अब अगले पड़ाव में पंजाब में नशों के बहरे छठे दरिया को रोकने के लिए और पंजाब तथा पंजाब की नौजवानी को बचाने के लिए नशा छोड़ो कोहड़ वड्डो मुहिम के अधीन 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे गुरु अंगद देव पब्लिक स्कूल चमियारी में लहर शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नशों के विरुद्ध ये मुहिम सर्वसांझी होगी। ये मुहिम ना ही किसी के विरोध में और ना ही किसी के पक्ष में की जाएगी। इस मुहिम में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के लोग राजनीतिक पक्षों से ऊपर उठकर लोगों का साथ दें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं सरबजीत सिंह, जम्मू सकत्तर हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे धर्म प्रचार विंग पंजाब ने नशियां दे विरुद्ध मुहिम शुरू की है, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों उन्होंने प्रधान इस वेले जो जथेदार भुपिंदर सिंह असंध ते जनरल सकत्तर सरदार रमनीक सिंह मान उन्हां वल्लों भी पूरी जिहड़ी है सहयोग दिता जाएगा क्योंकि हरियाणे दे विच भी नशा जिहड़ा है बहुत ज़्यादा वध गया ते इस करके ये दोनों कमेटियां जिहड़ियां मिल के जो ये मुहिम शुरू की गई है पूरा एक दूसरे का साथ देणगियां। और साडी ये कोशिश है कि खास करके स्कूल कॉलेज ते यूनिवर्सिटियां दे विच जिहड़े नौजवान ने उन्हां नूं इस पासे जिहड़ा है जागरूक किया जाए तां कि वह अपने परिवारां नूं घर जाके जागरूक करन तां ही ये जिहड़ी चीज़ है रुक सकती है। बाकी जे असी खरीददार जिहड़ा है वह खत्म कर देंगे तो नशा भी उहदे नाल खत्म होएगा। तो साडी यही कोशिश रहेगी कि नशा खरीदण वालियां नूं जिहड़े आ उह उहनां दी इन्नी घाट हो जाए कि नशा जिहड़ा बिकना ही बंद हो जाए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां वोटां जिहड़ियां ने उह बणनियां आरंभ हो रही ने। पंजाब सरकार ने ऐलान कर दिता ते बाकी जो प्रोसीजर हुंदे आ चोण कमीशन बणिया ते मैं समुचे पंजाब दे हर उस जागरूक वोटर नूं जो इस दे योग है, जो इस दे वोट पाउण दे लायक है ते जिहड़ा हकदार है वह अपनी वोट बनावे। कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वोट ना बनावे। की हुंदा कि जदों वोटा पैंदियां फिर कहिंदे जी साडी आ वोट बनी नहीं, उह नहीं होया। इहदे विच मतलब कि लोग जिहड़े ने उह अगे आके अपनी वोट बनाउण। अमृतसर में वकीलों की ओर से सड़कों पर उतर कर रोड जाम कर शांतमयी ढंग से पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया और पुलिस से इंसाफ की मांग की गई। इस दौरान वकीलों का कहना है कि हाल ही में उनकी महिला वकील साथी ने आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में उसके द्वारा ससुर परिवार के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। उन्होंने मांग की थी कि महिला वकील की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए उनकी मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में उनकी ओर से प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साढ़े लेडी एडवोकेट जी हिना बनोट उन्होंने सुसाइड का मैटर है लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि आज 20-25 दिन हो गए हैं पुलिस टोटल नाकाम रही है। DCP भंडाल साहब को मैं खुद गया,
सीपी साहब की नॉलेज भी लिया। उन्होंने थले पुलिस ऑफिशियल्स नू कहा कि इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड प्रॉपर करो, पर उसके बावजूद भी उसके ब्रदर ने उसके फादर ने आके दसिया कि थलड़ी पुलिस ने बहुत ही लथार्जिक वे दे नाल कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुलजम शरेआम घूम रहे हैं और उन्होंने अरैसट नहीं किया जा रहा। जिसे मैं इन्नी गल कहंगा कि मजबूर हो के थलड़े पुलिस ऑफिशियल्स की टोटल नैगलीजेंस के प्रोटेस्ट के असी अज धरना दिता है। देखो मंगा यो ही आ कि जो कोई जुर्म करता सोसाइटी के खिलाफ योजा घिना जुर्म होया तो पुलिस की यह ड्यूटी बनती है भी अपराधियों को फड़िया जाए, बनती कि नहीं बनती, भावें कोई वकील तो भावें ना हो। इतने 12/9 का इंसीडेंस होया, 12/9 का परचा भी दर्ज हो गया, अजे तक पुलिस ने उन्होंने फड़िया तक नहीं। और फैमिली मैंबरस ने कई नंबर दिते आ कि वो बंदे दे इन टच है उन्हां कनैक्ट करो, तुहानूं शायद कोई लभ जे भी कित्थे आ, पर नहीं अज तक कोई भी पुलिस ने उन्होंने अरैसट नहीं किया। कितने जने दे परचा दर्ज किया गया ते कौन कौन है? फैमिली मैंबरस ते या कम से कम 6-7 जने आ जिन्हां ते होया वा, फैमिली मैंबरस आ, बाय नेम सानूं नहीं पता। जी सर, मैं एक्चुअली एडवोकेट प्रिया शर्मा हूँ और अमृतसर बार की तरफ से हम ये कर रहे हैं। बेसिकली हमारी एक लेडी मैंबर है, लेडी एडवोकेट मेंबर, जो कि बहुत ही सिंसियर हैं एंड उनका उन्होंने सुसाइड कमिट किया, सब कुछ उसमें लिखा हुआ था कि जो उसके इन-लॉज हैं उनके कारण ये सारी उन्होंने प्रॉपर दिया है, फिर भी पुलिस जो है राइट स्टेप्स नहीं ले रही है। एज अ फीमेल मेंबर हमें लगता है कि अगर पुलिस हमारी नहीं सुनेगी ना एज एन एडवोकेट तो वो किसकी सुनेगी, एंड वी रियली वॉन्ट कि FIR के ऊपर स्टेप्स लिए जाएँ, जो कल्प्रिट्स हैं उनको बार में प्रॉपर उनको बिहाइंड बार्स भेजा जाए, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। अमृतसर के अलबर्ट रोड में प्लाट में की गई तोड़फोड़ और गली में टैक्सी चालकों द्वारा टैक्सी खड़ी करने को लेकर इलाकावासियों की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर इलाकावासियों ने कहा कि उनकी गली में किसी ने 2 प्लाट साथ साथ लिए हुए हैं, उन प्लाटों में नींव खोद कर रख दी गई है, पर अब उन प्लाटों को बनाया नहीं जा रहा, जिस कारण उनके घर की नींव में पानी और सिलन आ रही है। जब इस संबंध में प्लॉट मालिकों से बात की जाती है तो वे गुंडा तत्वों के साथ मिलकर उन्हें धमकाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ टैक्सी ड्राइवर चालकों द्वारा उनकी गली के बाहर टैक्सियां खड़ी की जाती हैं, जिस कारण उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इन लोगों पर जल्द से जल्द बनती कार्रवाई की जाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हाँ जी, मेरे 2 एक इधर प्लॉट है एक इधर प्लॉट है, दोनों प्लॉट जड़े अलग अलग ओनर्स दे ने और ये कह रहे ने कि ऐसी सेल हो गए ने और ये होटल वालों को दे देते ने। होटल वाले ने हूँ रेजिडेंशियल एरिया है, जो कह रहे हैं कि असं कमर्शियल करना कि इतने डेली वो आन जाएंगे, इतने असं गेट लगा देंगे, गेट का जोड़ा कि गेट अगर लग जाता तो मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों जोड़ा खतरा है, तो मैनू सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए है। दूसरा ये कि एक जो रेजिडेंशियल एरिया कमर्शियल काम किमें हो सकता है, वो मेरी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं 2 बेटियां मेरिया जवान ने, मैं इतने और मेरा छोटा जहा घर है, मेरा इतने कहते गेट लगाना ना तो मेरे घर की कोई वो रह जाती है लुक रह जाती है और ना ही वो कोई सेफ्टी रह जाती है, तो मैंने दसो कि मैं की कर सकती हूँ। हाँ जी, कंप्लेट है दीदी और ने करी है, मैं बारे प्रशासन मैं ये कहनी है कि ये होटल अगर ये 2 प्लॉट ले लेने तो इधर दीवार हो जाए, बेशक करन आप यूज करन, सानू उधर कोई मतलब नहीं है, सानू इस गली नाल मतलब है, क्योंकि इस गली दे विच सीवरेज पाए हुए है साडे और साडा बिजली का खंभा है, जो साडी सारी गली नू लाइट दे तो आंदी है। ये जी ये दोनों प्लॉट अलग अलग हैगे जे, इन्हां दे प्लॉट नू पहले दिन आए जिदन लेबर आई वो कहिंदे जी ये 2 प्लॉट विकेंगे, इत्थे 2 कोठियां बनवाईआं वा, असीं कहा ठीक है चंगी गल है, उन्होंने आके पुटना शुरू किया वा, इधर उन्होंने एक पासे उन्होंने नीयां पुट के बनानियां शुरू करते हैं, दूसरे पास खदाई करके 3 महीने हो गए खुलियां चार दीतियां, मेरी नवी कोठी बनी है, कोठी के सारा पानी सारा सुधार सारा बारिश का पानी सारा अंदर जाता पे, 3 महीने हो गए जे, ना कोई इंदा वाली बारिश है ना कोई इंदा, असी किन्नू कंप्लेन करनी है, किन्नू कहना मैं गली पुटनी है, गली दे विच मेरा सीवरेज है जे, इन्हां दा कौन वाली बारिश है, गली दे विच ही खंभे मीटर बिजली दे लगे हुए ने, इन्नू किन्ने करना है। मां बंगला मुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां मंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन मां मंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान राकेश प्रभाकर से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई।
वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने कहा कि परेशानी और दुख माना की तकलीफ देते हैं, लेकिन ये इंसान को चेतावनी भी देते हैं कि संसार में कोई भी यहाँ स्थायी नहीं है। समय में बदलाव सृष्टि का नियम है, लेकिन अगर कुछ अविनाशी और स्थायी है तो वो है परमात्मा का नाम। नवजीत भारद्वाज ने फरमाया कि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। जिसने सुख और दुख को जान लिया वह इस बात को समझ लेता है कि संभाव में जीना क्या है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े धनवान भी जब स्थायी नहीं रहे तो हमारी क्या बिसात। वहीं माँ बंगलामुखी धाम के सेवादार श्रीकंठ जज ने बताया कि श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त अलौकिक शनि अमावस्या पर विशेष हवन यज्ञ 14 अक्टूबर दिन शनिवार को मंदिर परिसर में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे विशेष आयोजन पर सभी भक्तों को बढ़ चढ़ कर सम्मिलित होना चाहिए। इस अवसर पर रविंद्र बांसल, राजेश महाजन, समीर कपूर, जसविंदर सिंह, अमरजीत सिंह, केविन शर्मा, गौरी शर्मा, बिल्ला, मनीष कुमार, बाबा खन्ना, संजय, बाबा जोशी, भानु मल्होत्रा, बाबा हलचल, बलदेव राज, विनोद खन्ना, अभिलक्ष्य चुग, सुनील, रमेश अमन, सुखा, नवदीप, अजीत कुमार, उदय, राजेश, महेश, दिशांत शर्मा, सोनू छाबड़ा, सुनील जग्गी, अशोक शर्मा, सुनील मंगू, अनिल, हरविंदर सिंह, सौरभ मल्होत्रा, प्रिंस, राकेश, केहर सिंह, बिनी, नव चीमा, प्रदीप शर्मा, ठाकुर बलदेव सिंह, प्रवीण, रमन शर्मा, प्रदीप, कमलेश, अमित सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। दो जीवियां फ्री जरूर मिलदियां, इसका मतलब ये नहीं कि उधर खात्मा करना नहीं, कोई अच्छी चीज देखिए और अच्छी चीज पढ़िए। इसके नाल नाल आज एक जेड़ा मैसेज है वो ये है कि 14 अक्टूबर दिन शनिवार श्री शनिदेव महाराज जी की अमावस्या है। साल एक या दो बार आती है और बड़ा बड़ा अलौकिक हवन यज्ञ होता है जो भी अमावस्या शनि महाराज की आती है। इस बारी सेकंड टाइम आई है, अदरवाइज कई बार साल सिर्फ एक बार आती है। 14 अक्टूबर शनिवार को उदन पितृपक्ष का आखिरी श्राद्ध अमावस्या का जोड़ा श्राद्ध है वो भी है। शाम को 6:30 बजे तो हवन यज्ञ शुरू होएगा, बाकी प्रभु की इच्छा नाल है 9 बजे 10 बजे 11 बजे ये बारे नहीं कह सकते कुछ। जिहड़ा भी भाई बंधु, पहली गल का खुला सदा है, जिहड़ा मर्जी और जिन्हें मर्जी आओ और हवन यज्ञ दे विच शामिल होवो, पर चेतावनी दिंदी है नाल कि हर चीज स्थाई नहीं हैगी। इन्हें रहना नहीं, ना तुपरणी ना छाम दिया, ना रहना तेरा ना बंदे है। सो इसलिए बदलाव पर सृष्टि का नियम है, एक बदलाव आते रहते हैं। जिहड़े शाहूकार सी ओह गरीब होए हैं, जिहड़े गरीब सी उन्होंने दुआरा चक के शाहूकार कीता है, मालक दे हाथ च है। स्थाई सिर्फ ईश्वर का नाम है, उन्होंने नियम कोई बदलाव नहीं होता क्योंकि उन्होंने हमेशा स्थाई रहना। जे अज दुख हैगा तो भुल जाओ कि यह दुख ने रह जाना है, सुख आना ही आना है, कारण तुसी परमात्मा दे नाल जुड़े हुए हो। माँ बगलामुखी धाम गुलमोर सिटी जो कि लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर के अज जिहड़ा दिव्य हवन यज्ञ हुंदा सप्ताहिक वह संपन्न होया। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि 14 अक्टूबर दिन शनिवार को शनि अमावस्या का जिहड़ा पावन दिवस आ रहा, उस दिन जिहड़ा पितृपक्ष की भी अमावस्या है, लास्ट श्राद्ध जिहनूं आपां कहिंदे आ, और उस दिन ही शनिवार आण करके शनि अमावस्या का बहुत वड्डा जिहड़ा आशीर्वाद शनि महाराज का मिलता है। साल च कई बार एक बार आता है, अच्छी साल दूजी बार आया, उस दिन एक बहुत भव्य अलौकिक हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा जिहड़ा कि शाम 6:30 बजे तो चलेगा शनिवार 14 अक्टूबर को। साढ़े सारे सेवादारा वालों मेरे वालों करबद्ध प्रार्थना है कि उस हवन यज्ञ शामिल होवो और पुण्य के भागीदार बनो। इस दे विच नाना प्रकार दी जड़ियां बूटियां और नाना प्रकार दी औषधियां दे नाल हवन यज्ञ संपन्न हुंदा जिहड़ा कि संपूर्ण रूप दे विच जो सनातन समाज दे विच नाल चलदा उस दे नाल हवन यज्ञ संपन्न होएगा। मैं आप जी नूं करबद्ध प्रार्थना करदा कि आप भी अपने परिवार नाल आओ, हवन यज्ञ दे विच शामिल होवो और प्रभु शनिदेव महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करो।
जय माँ बगला मुखी जी। माँ बगला मुखी धाम जो कि गुलमोर सिटी लम्मा पिंड चौंक के कोल स्थित हैगा, उत्थे माँ के भव्य मंदिर के हवन यज्ञ जिहड़ा किया गया हर वीरवार जिहड़ा किया जाता है उस कड़ी के अज वीरवार का हवन किया गया और भगत जिहड़े सारे सवेर तो लैके आए हुए थे और उन्होंने अलग अलग औषधियाँ जड़िया बूटिया के नाल जरा माँ माई का हवन यज्ञ किया और नाना प्रकार के भोजन व्यंजन सारे जो इतने मैं भी दसना चाहना कि असी लगातार इस मंदिर के जो तो मंदिर बनया होया उदों तो इस मंदिर से आ रहे हैं और महामाई ने इन्नी अपार कृपा की हैगी है कि जी मैं दस नहीं सकता है और सारे भक्तों को बेनती हैगी है कि वध चढ़ के महामाई के दरबार से आओ और आके आशीर्वाद प्राप्त करो। जिहड़ी चीज़ तुहाडी किस्मत हैगी भाजी भी बार बार यही कहिंदे है वो तो मिलनी मिलनी हैगी है और जिहड़ी चीज़ अपनी किस्मत नहीं हैगी वह महामाई कोलों आपां लै सकदे हैगे आ पर उहदे लई मंदिर आपां नूं आना पैना है। सवेरे उठ के नहा धो के मंदिर आओ और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करो। सारे भगतों नूं यही बेनती है कि वध चढ़ के हिस्सा लो। भगवान वाल्मीकि मंदिर रामबाग दीपनगर जालंधर छावनी में भगवान वाल्मीकि जी महाराज का मूर्ति स्थापना दिवस बड़ी ही श्रद्धा भाव एवं धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने मंदिर प्रांगण में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर गुलजार नाहर, किशनलाल सोहोता, रमेश रहेला, अशोक मेहमा, बलदेव राज छटवाल, अजय पीवल, सरोज नाहर, संतोष अमित, कमलेश खोसला, अशोक हंस सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। आज वाल्मीकि मंदिर रामबाग दीपनगर जालंधर कैंट के भगवान वाल्मीकि जी का मूर्ति स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के नाल मनाया गया जिस विच सारे कमेटी मैंबर और सत्संग किया गया। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। आप सबको सूचित किया जाता है कि 26 तारीख को 26/10 को दीपनगर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप सब बहन भाई इस शोभा यात्रा में भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर पहुँचे। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगला मुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बंगला मुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर और गुरु मां नीरज रत्न सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से महायज्ञ में आहुतियां डलवाईं। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। ओम हरि बगला मुखी सर्व दुष्टान भजम मुखम पदम स्तंभे जीवा किलय किलय बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम हरि बगला मुखी सर्व दुष्टान भजम मुखम पदम स्तंभे जीवा किलय किलय बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम हरि बगला मुखी सर्व दुष्टान माँ बगला मुखी के इस पावन दरबार पे आए हुए सारी संगत का हार्दिक अभिनंदन। आजकल जैसे कि आपको पता है कि पितृपक्ष रात का समय चल रहा है, अपने बड़े गुरु के लिए हम श्राद्ध का आयोजन करते हैं, लेकिन सारी संगत से मेरी विनम्र निवेदन है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग अभी जिंदा हैं, अगर उनकी हम सेवा करें, उनको मान सम्मान दें, तो मेरे ख्याल में ये श्राद्ध पहला ऐसा जो कार्य है उसको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम दिखावे के लिए ये सब जो अडंबर वो करते हैं। और जब हमारे घर में कोई बुजुर्ग होता है, हमारे घर में कोई बड़े हमसे जो जिन्होंने हमें पालन पोषण करके बड़ा किया है, हमारे माता पिता, दादा, नाना, नानी, तो हम उनका तिरस्कार करते हैं। ऐसा अगर आप तिरस्कार करोगे तो पुण्य की
अभिलाषा आपको कभी नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि जितना मर्जी आप पुण्य कमाने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। जालंधर जिमखाना के पूर्व जूनियर वाइस प्रेसिडेंट एसटीएस विर्क की माता अमरजीत कौर का आकस्मिक निधन हो गया है, जिनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय अमरजीत कौर को मुखाग्नि उनके बेटे एसटीएस विर्क ने दी। इस मौके पर सुखबीर सिंह विर्क, विवन विर्क, पवन विर्क सहित राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय अमरजीत कौर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। मोगा में मशहूर कपड़े की दुकान में फिरौती मांगने आए दो युवकों को पुलिस ने किया काबू, एक फरार। सुनाम के नजदीकी गांव छाछरी का जवान परमिंदर सिंह देश की सेवा करते हुए कारगिल में हुआ शहीद, पैतृक गांव में किया गया अंतिम संस्कार। अमृतसर में विश्व पशु दिवस पर वन्य जीव सप्ताह समारोह 2023 का किया गया आयोजन, निकाली गई जागरूकता रैली। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।